असलकम प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए सिलेबस लाए हैं फार्मेसी एंट्रेंस के लिए 2020 का तो प्यारे बच्चों आपको इसमें फार्मेसी एंट्रेंस के लिए चार सेक्शंस कवर करने होंगे एक सेक्शन फिज़िक्स का होगा दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री का होगा तीसरा बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सेक्शन भी होगा तो फिज़िक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं और कवर करने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो फिज़िक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट हैं कै कैनैटिक्स हैं लॉज ऑफ मोशन है इम्पल्स एंड मोमेंटम है वर्क एंड एनर्जी हैं रोटेशनल मोशन है पावर एंड एनर्जी हैं ग्रेविटेशन है मैकेनिक्स ऑफ सॉल्टस एंड फ्लूड्स हैं ऑसिलेशन है वेव है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्टिक्स एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मॉडर्न फिजिक्स और नाव अब हैं केमिस्ट्री का सेक्शन केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं स्टेट्स ऑफ मैटर हैं अटामिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मालिकुलर स्ट्रक्चर थर्मोडाइनमिक्स फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं तभी आप एंट्रेंस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो केमिकल कैनिटिक्स सरफेस केमिस्ट्री हाइड्रोजन एंड एज ब्लॉक एलिमेंट्स पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकारबनस स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थोराटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री अब हैं बायोलॉजी का पोर्शन बायोलॉजी के पोर्शन में आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं फर्स्ट वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड सेल द दूनिट्स ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लाट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एनिमल्स प्रोडक्शन ग्रोथ एंड मूवमेंट्स इन प्लांट्स प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमनज इकोलॉजी एंड एनवारन्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बायोटेक्नोलॉजी एंड सप्लीकेशन उसके बाद है मैथमेटिक्स का जिसमें आपको ये चैप्टर कवर करने हैं अल्जबराट ट्रिग्नोमेट्री टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री डिफरेंशियल कैलकुलस इंटेग्रल कैलकुलस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर स्टैटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग और इंग्लिश में आपको ये मतलब पोर्शन कवर करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन इन द इंग्लिश सेक्शन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ग्रामर कंपोजिशन वर्बल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग रीडिंग कंप्रहेंशन नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वोकेबलरी तो ये था फार्मेसी एंट्रेंस का सिलेबस थैंक यू